मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि बाकी में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल। अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। वाह भाई वाह। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मुतहरिक है। अपने मैचेस मुत्तहिद अरब अमीरात या श्रीलंका में कराने की तजवीज पेश कर दी है। खुश हो इस मीटिंग में कोलंबो में जो हुई आज, बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, इससे ये बात हुई है। और दूसरी तरफ आप देख लें, इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। सही बात है, पाकिस्तान फिर वही जो है ना अपनी रिस्पेक्ट को नहीं कैरी कर सकेगा। और नहीं तो क्या, जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये भी ठीक है कि आईसीसी वाले पैसे खाते हैं इंडिया से, वो क्या बोलेंगे पाकिस्तान के बारे में। हाँ तो भाई, इन पाकिस्तानियों को ऐसे गिड़गिड़ाते रोते बिलखते देखकर आपके किट्टू भाई को जो आनंद आता है ना, आए हाय, सीधा कलेजे को ठंडक मिलती है जैसे सीधा बर्फ की सिल्ली पर बैठ गया हूँ। नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहाँ जाना है, चलो जी हम नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई। लेकिन वो ही उसी पे अटके हुए हाइब्रिड मॉडल पर, और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी मीडिया को सिर्फ मसाला लगाने की आदत है। अबे भूखे नंगे भिखारियों, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का नहीं है, ये है आईसीसी का, और बीसीसीआई आईसीसी से बात करेगा, ना कि तुम भूखे नंगे कंगलो पाकिस्तानियों से। और जो तुम्हारी औकात है ना, वो जेएसआर ने दिखा दी थी श्रीलंका में, तुम्हारे जो पीसीबी का चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, उसको भाव तक नहीं दिया। और मैं यहाँ से गेंद मारूंगा ना, पाकिस्तान में सिर्फ इसका निशान रहेगा। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। औकात में रहो, औकात में, ताकि अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। और नहीं तो क्या, मैं तो ये समझता हूँ इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, भिखारियों इंडिया से बड़ी ज्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है। क्या चूतिया बनती है ये, इंडिया से बड़ी, अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि इंडिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूतिया बनाया तुमको पाकिस्तान की 80% जो अवाम है ना, वो विराट कोहली रोहित शर्मा को लाहौर के स्टेडियम में देखना चाहती है। जो रिपोर्ट आ रही है वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। बड़ी चलाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया। 6 महीने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। साले रोंदू पाकिस्तानियों, तुम ऐसे ही रोते रहो, आज किट्टू बाबा तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि तुम ऐसे ही रोते रहोगे हमेशा, जब तक जिंदा रहोगे रोते रहोगे, और पाकिस्तान पैदा भी रोने के लिए ही हुआ था। आईसीसी की मीटिंग तो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी स्टार्ट होने जा रही है, बजट अनाउंस भी हो गया है इंडिया, आईसीसी ने बजट अनाउंस कर दिया। और सर चैंपियन ट्रॉफी आपको क्या लगता है, चैंपियन ट्रॉफी में क्या इंडियन टीम आएगी? को अभी इंडियन टीम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, ना जय शाह ने दिया ना बीसीसीआई की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई। पहली चीज, इंडिया की तरफ आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली पाकिस्तान को होस्ट अनाउंस कर दिया गया है, और पाकिस्तान इज द ऑफिशियल होस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और यही सबसे बड़ी गुड न्यूज है, पहली चीज कि इंडिया नहीं बाकी सारी बड़ी बड़ी टीम जो है वो एक साथ पाकिस्तान आएंगी। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है। देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस लीज के अंदर, जो कि अब से कुछ देर पहले आईसीसी ने जारी किया बोर्ड मीटिंग का आउटकम, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है, तो क्या इसका मतलब हम ये नतीजा निकालें कि पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अब तक एज पर शेड्यूल है, और इस चीज़ के इशारे हमें आईसीसी पीसीबी दोनों की जाने से मिलते हैं। लेकिन मुसलसल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है, या आगे चल के हम इस आर्थिक कामयाबी के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही, और जो भारत ने करना है शायद वो अभी आज की 22 तारीख को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब उनका दिल चाहे वो इतराज़ उठा सकते हैं। तो सर ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप ही समझते हैं। देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था, और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि आप देखें ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच की असल आमदनी होती है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी
ठीक है पाकिस्तान बुलंद बाल दावे कर रहे हैं, ठीक है हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है भारत नहीं आता ना हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, बजाय इसके कि आज कोई खबर आ जाती कि नहीं जी बजट मंजूर हो गया और जय शाह वहां मौजूद थे और ये कहा गया है कि भारतीय टीम हिस्सा लेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। क्या आपको लगता है कि आईसीसी बीसीसीआई को मना कि चैंपियन ट्रॉफी खेले पाकिस्तान आओ? हरगिज नहीं। लेकिन इस जो सेम वही मॉडल नजर आ रहा है जो एशिया कप में हुआ था, अच्छा। वही रिपीट होगा, इंडिया फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, वो फिर अपनी डिमांड करेगा कि हमें या यूएई में मैचेस दें या फिर श्रीलंका में दें। तो चैंपियन ट्रॉफी का यही है, उसका फायदा नहीं है। देखें हम जो है ना अपनी कंट्री को ओन नहीं करते और ना ही इसकी वो कोई हमारी कोई डिमांड नहीं है, इंडिया जो चाहता है वैसा हो जाता है। पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहाँ पे लाना है, और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना, वो बड़ा 28 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंडिया का। पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये रंग में भंग डालना, सियासत करना खेलों के नाम पर, ये बड़ा गलत है। तो फिर अगर भारत खुदा न खास्ता ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को तो खुल के फिर सामने आना चाहिए कि आईसीसी वाले पैसे खाते हैं इंडिया से, वो क्या बोलेंगे पाकिस्तान के बारे में? वो चाहिए जब उनको मिल रही है तो अब हमारे बारे में क्या सपोर्ट करेंगे? सारा बजट ही इंडिया देते तो वो नहीं मना पाएगा। सारा बजट कर दे रहा है इंडिया, जब हम बजट देंगे हमारी सपोर्ट क्यों करेंगे वो? तो हमारे पास शायद इतने पैसे नहीं है हम दे पाए, भिखारी हो इसलिए हमारी सपोर्ट नहीं ना कर रहे। उनको पता है कि हमें मिल रही है रिश्वत तो हम खा रहे हैं। हमारा तो एक शौक है कि यार इंडिया पाकिस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तानी मीडिया को सिर्फ मसाला लगाने की आदत है, ठीक है। ये इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा ये नवंबर तक चलना है, ये नवंबर दिसंबर में जाकर डिसाइड होना है कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा या नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान को बजट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बजट तो मिल गया कन्फर्म बात है कि फिर तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी होनी है। देखिए मैंने भी उसकी वीडियो देखी है, उसने कहा वहां पर बात हुई है T20 वर्ल्ड कप के बारे में जो 2026 में 2030 में हो रहा है, वहां पे बात हुई है एशियन गेम्स के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में, बजट के बारे में, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कोई बात नहीं हुई। नो डाउट मोहसिन नकवी ने अगर ये चीज कर दी है तो मोहसिन नकवी जो है ना बेहतरीन वो चेयरमैन साबित हो गया पीसीबी का, लेकिन बीसीसीआई ने अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी इंडिया ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा। जिस काम के लिए हमारे जो बड़े लोग जाते हैं आईसीसी के लोग जाते हैं वो वापसी में आवाम को यही लड्डू खिला रहे हैं कि हम ये करते हैं हमने अच्छा, ये फील्ड के पीसीबी सिर्फ आवाम को लड्डू खिला रहा है, लड्डू खिला रहे। पिछले दो साल से ना कोई अच्छा प्लेयर सिलेक्ट कर सकते ना कोई कप्तान, हर तीन महीने बाद एक कैटेगरी का खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं, हर तीन महीने बाद फिर बी कैटेगरी सी कैटेगरी का खिलाड़ी को रिश्वत के जरिए उसको क्या आपको लगता होगा वही जो बीसीसीआई भारत चाहेगा वही होगा? वो तो इंडिया जो चाहेगा आईसीसी के बड़े बड़े लोग इंडिया के वो जो चाहेगा, अगर इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होनी चाहे तो इंडिया में करवा सकता है, क्योंकि अगर उसने नहीं आना था तो पाकिस्तान ने जाना नहीं था T20 कप में। उस टाइम मोहसिन नकवी के पास से वादे में बांधना था भाई अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास आते तो हम भारत आके खेलते हैं, नहीं तो अल्लाह हाफिज क्रिकेट का हम भी नहीं खेलते। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और हाँ ये बोल आप पाकिस्तान के कौन से विशेष अंग पर मारना चाहोगे? तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।